दुनिया में हिंदू धर्म का केंद्र बिंदु तो भारत ही है। भारत में हिंदू धर्म का इतिहास प्राचीन काल जितना पुराना है और यही हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। लाखों मंदिरों और करोड़ों हिंदुओं के इस देश में हिंदू देवी देवताओं की विशाल मूर्तियां होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर अगर आपको पता चले कि हिंदू देवी देवताओं की 100 फीट से भी विशाल मूर्तियां हिंदुस्तान की सीमाओं के पार भी बनी हुई हैं, तो आपको हैरानी तो होगी ही। किसी हिंदू देवता की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति उस देश में बनने जा रही है जहां हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 1.7% है। किस देश और कौन से देवता की है ये मूर्ति, ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। तो आइए जानते हैं भारत के बाहर हिंदू देवी देवताओं की 5 सबसे बड़ी मूर्तियां किन देशों में है। श्री कार्य सिद्धि हनुमान मूर्ति त्रिनिदाद। वेस्ट इंडीज के 5वें बड़े आइलैंड त्रिनिदाद में है हनुमान की ये 85 फीट की विशाल मूर्ति। त्रिनिदाद में हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या 18% है। हिंदू धर्म का इतिहास वहां 1834 से शुरू होता है जब ब्रिटिशर्स भारत से कई लोगों को वहां दास बनाकर ले गए थे। सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद आज हिंदू समाज के लोग भी त्रिनिदाद में इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं और ये झलकता है हनुमान की इस विशाल मूर्ति में। इस मूर्ति का निर्माण साल 2002 में शुरू हुआ और साल 2003 तक इसे पूरा भी कर लिया गया। अब ये त्रिनिदाद का एक अहम धार्मिक स्थल है। मंगल महादेव मूर्ति मॉरिशस। भारत से 5110 किलोमीटर दूर समुद्र से घिरे देश मॉरिशस में स्थापित है मंगल महादेव की 108 फीट ऊंची ये मूर्ति। इसे गुजरात में मौजूद शिव प्रतिमा जैसा ही बनाया गया है। गंगा तालाब लेक के पास बनाए जाने से इसकी खूबसूरती और बढ़ती है। शिव की इस मूर्ति की स्थापना 2008 में हुई और ये मॉरिशस की सबसे ऊंची मूर्ति बनी। मॉरिशस में हिंदुओं की कुल आबादी 51% है। मॉरिशस में भारत का भी खासा प्रभाव है। साल 2011 से इसी जगह दुर्गा माता की मूर्ति का निर्माण भी शुरू हुआ जो अब बनकर तैयार है। इस मूर्ति की भी ऊंचाई 108 फीट ही रखी गई है। ये जगह मॉरिशस का एक महत्वपूर्ण पर्यटन व धार्मिक स्थल भी बन चुका है। भगवान मुरुगप्पा मूर्ति मलेशिया। मलेशिया में हिंदू धर्म की ऐतिहासिक छाप है। रामायण में मलेशिया का जिक्र स्वर्ण द्वीप के नाम से मिलता है और वायु पुराण में मलाया द्वीप के नाम से। भारत के एक महान साम्राज्य चोला साम्राज्य ने भी मलेशिया में राज किया है। आज मलेशिया की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 6% है, पर फिर भी मलेशिया में हिंदू देवता की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। भगवान मुरुगन की ये प्रतिमा 140 फीट ऊंची है। साल 2004 में बननी शुरू हुई ये मूर्ति 2 साल में पूरी हो गई। मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए इसके ऊपर 300 लीटर गोल्ड पेंट किया गया। बाटू की गुफा पर मौजूद ये प्रतिमा मलेशिया में पर्यटन का मुख्य केंद्र है। कैलाशनाथ महादेव मूर्ति नेपाल। भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत है। भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू नेपाल में ही रहते हैं। हिमालय की गोद में बसा नेपाल पहाड़ों से घिरा है और इन्हीं पहाड़ों में है कैलाश महादेव की ये मूर्ति। 144 फीट ऊंची ये मूर्ति हिंदू देवता की अभी तक की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति का निर्माण 2003 में शुरू हुआ और 2010 में ये मूर्ति बनकर तैयार हुई। नेपाल में धार्मिक पर्यटन का ये मुख्य आकर्षण है। हर हफ्ते 5000 सैलानी और भक्त इस मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। गरुड़ विष्णु केंसना मॉन्यूमेंट इंडोनेशिया। सिर्फ 1.7% हिंदू आबादी होते हुए भी इंडोनेशिया के बाली में बन रही है दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू देवता की प्रतिमा। गरुड़ विष्णु की ये मूर्ति बनने के बाद 397 फीट ऊंची होगी जो कि अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 98 फीट ऊंची होने वाली है। साल 2013 में बननी शुरू हुई ये मूर्ति साल 2018 में बनकर तैयार हो जाएगी। मूर्ति पूरी होने के बाद किसी 21 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होगी। इंडोनेशिया में हिंदुइज्म पहली सदी में पहुंचा था। आज भले ही वहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म हो, पर वहां के लोग आज भी भारतीय संस्कृति को ही मानते हैं और हिंदू माइथोलॉजी से इंडोनेशियंस तो बहुत प्रभावित हैं। इस मूर्ति को अमृत मंथन की कथा के एक किस्से से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है। जब गरुड़ देव की ताकत से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी सवारी बनने को कहा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर मुझे बताएं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और भी कई दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।